Good morning, student. This is explanation of lesson number 10, that is working with Animate CC. So in this chapter, we are going to see how we can do the animation by using this Animate CC software. So first topic is symbols and animation. But before moving on to this chapter, I'm just going to tell you about animation. आप सबको पता होगा animation में क्या होता है. We are having हमारे पास में कुछ जैसे character होते हैं. Like आप लोग भी animation या कुछ भी cartoon series अगर देखते होगे तो उसमें हम लोगों के पास में एक character होता है and वही character हमें कुछ movement करते हुए दिखाई देता है. Okay, but सिर्फ scenes वहाँ पे change होते हैं and हमारा character same होता है and उसके movement changes होते हैं हर बार. सो यहाँ पे भी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम हमारे को एक कैरेक्टर, हम जब भी एनिमेशन में एक वर्क करेंगे दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग अवर कैरेक्टर्स. सो यहाँ पे कैरेक्टर्स को हम लोग बेसिकली सिंबल से रिप्रेजेंट करने वाले हैं. सो सिंबल इज अ रीयूजेबल ऑब्जेक्ट. ठीक है, सिंबल जो होता है वो हमारा रीयूजेबल ऑब्जेक्ट होता है जो एवरी टाइम आपको एनिमेशन में जब भी ज़रूरत होती है तो आप उसको यूज़ कर पाओ. दिस सिंबल कैन बी स्टैटिक इमेज या फिर एनिमेशन हो सकते हैं. इट कैन बी अ स्टैटिक इमेज और इट कैन बी एन एनिमेशन ऑफ एनी थिंग. सो यहाँ पे एनिमेट सी सी के पास में एक लाइब्रेरी होती है एंड इन दैट लाइब्रेरी हम हमारे सिम्बल्स, हम कितने भी सिम्बल्स वहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं. सो नेक्स्ट है दीज सिम्बल्स जो आप लोग, हम लोग बात कर रहे हैं कि हर बार हमारा जो कैरेक्टर होता है वो सेम होता है, ओनली द सीन्स गेट डिफरेंट एंड मूवमेंट उसका डिफरेंट होता है. सो यहाँ पे भी क्या होने वाला है, हम हमारे सिम्बल्स के इंस्टेंसेस, हम हमारे सिम्बल्स की कॉपीज को यूज करने वाले हैं फॉर डूइंग डिफरेंट एनिमेशन ऑन द स्क्रीन. सिम्बल की इंस्टेंसेस, सिम्बल की हम जो ओरिजिनल सिम्बल की हम लोग मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं एंड उन मल्टीपल कॉपीज की आप हर बार उनका साइज, कलर, शेप, पोजिशन इफ़ यू वॉन्ट आप उसको चेंज कर सकते हो. इसको आप लोग रिलेट कर सकते हो विद द सीरीज, जैसे आप लोग देखते हो कि सपोज अगर आप टॉम एंड जेरी या जो भी देखते हो, डोरेमोन देखते हो, तो उसमें एवरी टाइम द कैरेक्टर इज सेम, ओनली द सीन एंड उसका लुक चेंज होता है. समटाइम्स उसके कलर्स, क्लोथ के कलर्स चेंज हो जाते हैं, उनका साइज कभी कभी इंक्रीज होता है या कुछ ऐसे दिखते हैं. सो एवरी टाइम दैट मीन्स हमारा जो सिम्बल है दैट इज़ गोइंग टू बी द सेम, बस हम उसकी कॉपी बनाएंगे एंड दैट कॉपी इज नाउ रिफर टू एज इंस्टेंस एंड उन इंस्टेंसेस के हम कलर, शेप एंड पोजीशन जो भी है वो आप लोग चेंज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एनिमेट में वी आर हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ सिंबल्स, हमारे पास में थ्री टाइप्स के सिंबल होते हैं. वन इज मूवी क्लिप, बटन एंड ग्राफिक. ओके, एंड वी आर बेसिकली वर्किंग ऑन द ग्राफिक. सो यहाँ पे लेट्स जस्ट सी हाउ यू कैन क्रिएट अ सिंबल, आप किसी को सिंबल कैसे बना सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेन ड्रॉ करी हुई है. ठीक है, हम लोग इस ट्रेन को ही एज अ सिंबल स्टोर करवाने वाले हैं अपने लाइब्रेरी में एंड उसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज इट. सो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट मेक अ ट्रेन. आपको कुछ रेक्टेंगल एंड कुछ सर्कल लेना है एंड यू आर जस्ट यूजिंग द पेंसिल टूल टू ड्रॉ सम ऑफ द लाइन्स एंड उसके बाद में हमें वी जस्ट हैव टू सेलेक्ट अवर ट्रेन. आपको क्या करना है, सिलेक्शन टूल यूज करके यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट दिस ट्रेन. आफ्टर सेलेक्टिंग योर ट्रेन हमें आफ्टर सेलेक्टिंग अवर ट्रेन हमें मॉडिफाई मेन्यू में जाना है. जस्ट क्लिक ऑन टू द मॉडिफाई मेन्यू एंड चूज करना है हमें कन्वर्ट टू सिंबल ऑप्शन. When you click on this convert to symbol option, हमारा dialog box आ जाएगा convert to symbol option का. Just आपका जो भी आपने symbol create किया है, we just have to give the name over there. And हमें यहाँ type में graphic को choose करना है. After choosing this graphic, just click on OK button. When you click on this OK button, we will see कि हमारा जो library है, ओके दिस साइड वी कैन सी द लाइब्रेरी ऑफ अवर एनिमेट सी सी. सो आप लोग यहाँ पे जो लाइब्रेरी है वहाँ पे हम लोग हमारा सिंबल का एक सिंबल हमारा क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है. नाउ लेट्स जस्ट सी हाउ यू कैन मेक द इंस्टेंसेस ऑफ दिस सिंबल. हम लोग यहाँ पे क्या बातें कर रहे थे कि हम लोग हमारे सिंबल की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं. सो वेर एवर यू वॉन्ट टू यूज द सिंबल्स इंस्टेंस, आपको क्या करना है, आप बस लाइब्रेरी से उसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करिए अपने स्टेज एरिया में एंड लाइक दिस यू कैन क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस सेम सिंबल. ओके, सो ये जो कॉपीज हमारी क्रिएट हो रही हैं दैट मीन्स दीज आर द इंस्टेंसेज, हम लोग इनकी इंस्टेंसेस क्रिएट कर रहे हैं.
नेक्स्ट, हम चाहें तो हम ये इंस्टेंसेस के कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया. सो वी कैन चेंज एनी, वी कैन डू एनी चेंजेस ओवर द इंस्टेंसेस एंड वी कैन डू द चेंजेस ऑन द सिंबल एज वेल. अब यहाँ पे क्या होता है कि इफ़ वी आर डूइंग सम चेंजेस, अगर आप यहाँ इंस्टेंसेस में कोई चेंज करते हो तो दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस विल शो यू द चेंजेस. अगर सपोज हमने ये वाले इंस्टेंस में चेंज किया है तो सिर्फ इस पे ही विजिबल होएगा. इफ यू हैव डन सम चेंजेस ऑन दिस इंस्टेंस ओनली हियर द चेंजेस विल बी विजिबल. लेकिन अगर हम लोग इस सिंबल में कुछ चेंज करते हैं, अगर आप इसमें कुछ कलर या समथिंग चेंज करते हो, देन दैट चेंजेस विल बी going to be viewed on all the instances that we had created of that symbol. आपने जितने भी symbol के instances बनाए होंगे उन सब में वो change reflect होगा. Okay, now let's just see how you can do the changes. अगर आपको instances में change करना है तो just आपको क्या करना है, select करिए part आपके instance का जिस भी part में आपको change करना है. ओके, एंड अगर हमें सिंबल में चेंज करना है तो आपको क्या करना है, जस्ट आपका सिंबल सेलेक्ट करिए. नेक्स्ट राइट क्लिक करिए सिंबल पे एंड हमारा जो ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आ रहा है उसमें से भी जस्ट हैव टू चूज द एडिट ऑप्शन. एडिट ऑप्शन जैसे ही आप चूज करोगे, यू कैन चेंज मेक द चेंजेस ऑन द सिंबल हियर और यू कैन मेक द चेंजेस ऑन द एडिट सिंबल हियर. ओके, सो वॉट एवर चेंजेस आप यहाँ पे करते हो दैट सेम चेंजेस इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड ऑन द ऑल इंस्टेंसेस. आपका एक बार जितना भी चेंज है या एडिटिंग है ऑन टू द सिंबल अगर वो डन हो गया है, सो वी कैन मूव आउट बाय क्लिकिंग ऑन दिस सीन वन या फिर ये बैक बटन पे भी क्लिक करके आप सिंबल एडिट सिंबल विंडो से बाहर मूव कर सकते हैं.